हेलो दोस्तों, फिर से आपको एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में 8+8 सेलिंग फैन हाई स्पीड का क्वाइल का वाइंडिंग करने वाला है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, ये हमारा 36 इंची सेलिंग फैन जो आता है छोटा वाला ब्लेड, उस ब्लेड का ये हमारा स्टेटर है। दोस्तों ये 8+8 का स्टेटर भी इसको बोला जाता है। तो दोस्तों इसी क्वाइल का आज के वीडियो में फुल वाइंडिंग करने वाले हैं, मशीन से इसका वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों इसमें कितना नंबर का वायर डाला जाता है और कितना टर्न डाला जाता है, सभी जानकारी आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। दोस्तों क्वाइल वाइंडिंग करने से पहले कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि हमको जानना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका यह होता है कि दोस्तों इसका जो स्टेटर का जो स्टैम्पिंग होता है वो लेंथ हमको हमें वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इस स्टेटर का जो ये मोटाई होता है इसको हम स्टेटर का स्टैम्पिंग बोलते हैं। तो दोस्तों इस स्टेटर के स्टैम्पिंग हमारा 13 mm, 12 mm की से 13 mm के आसपास में इस स्टेटर का स्टैम्पिंग है। तो दोस्तों इस डाटा से आपको मिलता जुलता स्टेटर आ रहा है तो आप वाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों 1 mm ऊपर नीचा हो तो उसके लिए आप घबराएं नहीं, इस डाटा को आप बेफिक्र यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मशीन पर चलेंगे, इसका वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों इसमें जो हम पेपर लगाए वो 7 नंबर PVC पेपर इसमें इंस्टॉल किए गए हुए दोस्तों, और इसमें जो कैपेसिटर यूज में लिया जाता है वो 2.25 MFD का कैपेसिटर इसमें यूज में लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने मशीन पर और इसको वाइंडिंग करेंगे, कितना नंबर तार से वाइंडिंग करेंगे। चलिए दोस्तों हम मशीन पर चलते हैं। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑल कर ले ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने मशीन पर। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हुए दोस्तों अपने मशीन पर। दोस्तों यहाँ पे हमारा हाई स्पीड डाइव फिट हुआ है। दोस्तों ये हमारा स्टेटर था जो कि हम यहाँ पे इसको फिट कर लिए हुए। दोस्तों ये हमारा मशीन है, दोस्तों हम वाइंडिंग करेंगे इसी से। और यहाँ नीचे देख सकते हैं दोस्तों हमारा तार लगा हुआ है। दोस्तों हमारा 34 नंबर तार इसमें लगा हुआ है। दोस्तों हम 34 नंबर वायर से इसका वाइंडिंग करेंगे अल्मोनियम वायर से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस होकर के हमारा वायर आता है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ से हमारा वाइंडिंग होना स्टार्ट होता है। दोस्तों हमारा जो अंदर वाला स्लॉट है वो हमारा स्टार्टिंग स्लॉट है, और जो बाहर वाला स्लॉट है हमारा रनिंग स्लॉट है। तो दोस्तों पहले हमारा स्टार्टिंग कॉइल रिवेटिंग होगा, उसके बाद हमारा रनिंग कॉइल रिवेटिंग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दोस्तों यहाँ पे काउंटर मीटर है। दोस्तों इसी काउंटर मीटर में हमें टर्न सेट करना पड़ता है। तो दोस्तों इस पंखा में जो हम टर्न देंगे वो हम देंगे 34 नंबर वायर से देंगे, 430 टर्न देंगे 34 नंबर वायर से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको हम सेट करेंगे 430 पर, इसको हम सेट करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग कॉइल में जाएगा 34 नंबर से 430 टर्न। तो चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे फिट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हम मशीन स्टार्ट करेंगे तो हमारा कॉइल रिवाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम मशीन को स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्टिंग कॉइल पहले रिवाइंड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा कॉइल हमारा यहाँ पे इस स्लॉट में यहाँ पे डाला है। चलिए दोस्तों यहाँ से जो हम लाल वाला बटन दबाएंगे तो हमारा फॉरवर्ड चलने लगेगा मशीन, यानी कि उस तरफ चलने लगेगा। ग्रीन बटन दबाएंगे तो हमारा रिवर्स चलने लगेगा, यानी कि हमारा जो क्वाइल वाइंडिंग होता है फॉरवर्ड और रिवर्स वाइंडिंग होता है उल्टा सुलटा। तो चलिए दोस्तों हम लाल वाला बटन यहाँ पे दबाते हैं तो हमारा मशीन चलने लगेगा। चलिए दोस्तों इसको दबाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग कॉइल यहाँ पे रिवाइंड हो रहा है। दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला स्लॉट अभी रिवाइंडिंग हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मीटर में आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे काउंट हो रहा है 430 टर्न यहाँ पे हम सेट किए हुए। दोस्तों 430 पर जाएगा तो हमारा स्टॉप हो जाएगा, 2-3 टर्न हमारा एक्स्ट्रा जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रिवाइंड हो चुका है। दोस्तों अब यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा स्लॉट रिवाइंडिंग हो रहा है। देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा दूसरा स्लॉट रिवाइंडिंग हो रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे हमारा तीसरा स्लॉट यहाँ पे रिवाइंडिंग होना स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा तीसरा स्लॉट रिवाइंडिंग होगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि जितना भी हम इस स्टार्टिंग कॉइल का सभी स्लॉट है हम रिवाइंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसका आगे का काम करें। फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग कॉइल टोटल रिवाइंडिंग यहाँ पे हो चुका है। चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने टेबल पर और इसमें दोस्तों हम स्लॉट पेपर चीप पेपर इसमें लगाएंगे, और इसके बाद हम रनिंग कॉइल का पेपर लगाएंगे और दोस्तों इसका रनिंग कॉइल वाइंडिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने टेबल पर। दोस्तों तो ये हमारा ग्रीन पेपर शीट रहा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसको मिनी मैक्स पेपर भी कहते हैं और ग्रीन पेपर भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या करना है कि इसको हमें कैंची की मदद से हमें इस साइज का कटिंग कर लेना है। इस साइज का हमें कटिंग करना है पेपर। हमें यहाँ पे हमारा 8 स्लॉट का जो क्वाइल है तो इसमें हमें एक स्लॉट में हमें 2 पेपर इस प्रकार से लगता है, मुड़ के इसमें लगता है क्वाइल के ऊपर। तो हमें 8 × 16 को पेपर इस साइज को हमें कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इस क्वाइल को हम क्या करेंगे कि इसको इस प्रकार से नीचे करके इसके ऊपर हम इस प्रकार से यहाँ पे पेपर लगाएंगे, मिनी मैक्स पेपर लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम चीप पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन चीप पेपर क्या होता है कि हमारा टाइट होता है। दोस्तों टाइट होता है तो हमारा पेपर बाहर की तरफ इसको फेंकने लगता है, इसलिए दोस्तों मिनी मैक्स पेपर लगाएंगे और इसको नीचे की तरफ दबा देंगे और इसमें हम कॉटन टेप लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इसका पूरा पेपर एक पेपर यहाँ पे लगा दिए। दोस्तों 15 पेपर और इसी साइज का हम काट लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इसमें हम पेपर लगाएंगे।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों इस प्रकार से हम पेपर इसको कटिंग कर लिए हुए। दोस्तों अब हमें क्या करना है कि जितने भी सभी स्लॉट है सभी स्लॉट में हमें ये पेपर लगाना है। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि किसी नुकीले चीज़ हमें ले लेना है और क्वाइल को हमें नीचे की तरफ इस प्रकार से यहाँ पे दबाना है और पेपर दबाने के बाद जो हमारा ग्रीन पेपर काटे हुए इसको इस प्रकार से हमको मोड़ना है और इसमें इस प्रकार से हमें पेपर लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेपर यहाँ पे लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से सभी स्लॉट में हमको पेपर लगा लेना है। चलिए दोस्तों सभी स्लॉट में हम पेपर लगा लेते हैं, इसके बाद हम इसके आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी प्रकार से हमें सभी स्लॉट में पेपर लगाना है। हमारा सभी स्लॉट में पेपर यहाँ पे लग चुका है। दोस्तों अब क्या करना है कि कॉइल को हमें नीचे की तरफ दबाना है, यानी इस प्रकार से हम कॉइल को नीचे की तरफ दबाएंगे ताकि हमारा रनिंग कॉइल रिवाइंडिंग होने में दिक्कत ना करे। तो दोस्तों जितने भी कॉइल है सभी कॉइल को हमें नीचे की तरफ यहाँ पे बैठा लेना है, यहाँ पे नीचे की तरफ बैठा लेना है और पेचकस से मदद से जो हम पेपर इसमें लगाए हुए उसको भी सभी को हमें नीचे की तरफ यहाँ पे दबाना है। जितना हो सके आप नीचे इसको दबाएंगे उतना आपको आसानी होगा रनिंग कॉइल रिवाइंडिंग करने में। चलिए दोस्तों यहाँ पे जितना भी सभी कॉइल है सभी को हम नीचे की तरफ यहाँ पे इसको दबा रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम कॉटन टेप लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सभी को नीचे की तरफ दबा दिए। दोस्तों अब इसमें हमें क्या करना है कि कॉटन टेप लगाना है। दोस्तों इस प्रकार के हमारे पास कॉटन टेप रहता है, इसको डॉक्टर टेप भी कई लोग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे कि छोटा छोटा काट करके इसमें हम लगाएंगे, यानी कि जितना दूरी हमारा कॉइल के उतना ही बड़ा हम इसमें इस प्रकार के कॉटन टेप काटेंगे। यहाँ पे आपसी शॉट के लिए हमें ये पेपर लगाना है। जितना भी हमें हमारा सभी कॉइल है रनिंग, इस साइड कॉइल है और इस साइड कॉइल है, दोनों साइड में हमें इस प्रकार से पेपर कटिंग करना है, इस प्रकार से कटिंग करना है। इस कॉइल का जो हमें क्या करना है कि हमको कवर करना है, इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमें कॉइल को कवर करना है। तो चलिए दोस्तों सभी को हम इसी प्रकार से कटिंग करके थोड़ा थोड़ा करके सभी को हम कवर कर लेते हैं। इस तरफ भी कवर करना है और इस तरफ भी कवर करना है, यानी इस तरफ भी हमको कवर करना है कॉटन टेप से। तो चलिए दोस्तों इतना काम हम करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका रनिंग स्लॉट जो पेपर आता है वो स्लॉट पेपर लगाएंगे, उसके बाद इसका हम रिवाइंडिंग करेंगे। दोस्तों अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए थे, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस तरह के टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा आता रहता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आए हैं तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पर सीख करके जाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर मोटर वाइंडिंग, फैन वाइंडिंग, कॉइल वाइंडिंग इत्यादि रिपेयरिंग सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पर एक तरफ जो हमारा कॉटन टेप है वो लग करके यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट एक साइड का हो गया। जिस प्रकार से हम इस साइड में कॉटन टेप से यहाँ कवर किए हैं हमें सेम क्या करना है कि उसी प्रकार से हमें इस साइड भी कवर कर लेना है। चलिए दोस्तों इसको हम कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दोनों साइड देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कॉटन टेप यहाँ पे लगा लिए हुए, दोनों साइड हमारा कॉटन टेप लग करके कम्प्लीट हो चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है कि दोस्तों अब रनिंग स्लॉट पेपर लगाएंगे, रनिंग कॉइल हमारा रिवाइंडिंग होगा, अभी तक हमारा सिर्फ स्टार्टिंग कॉइल रिवाइंडिंग हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा अब स्लॉट पेपर है रनिंग स्लॉट पेपर, ये हम रनिंग स्लॉट पेपर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों सभी में हम रनिंग स्लॉट पेपर यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद हम मशीन पर चलेंगे और इसका रनिंग कॉइल रिवाइंडिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम सभी में रनिंग स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों इसी प्रकार से हमें सभी में रनिंग स्लॉट पेपर लगा लेना है। चलिए रनिंग पेपर हम लगा करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल में भी पेपर लग करके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं कि हमारा रनिंग जो कॉइल बनाता है स्लॉट, इसमें भी हमारा पेपर यहाँ पे लग चुका है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने मशीन पर और इसका रनिंग कॉइल अब रिवाइंडिंग हम करेंगे। दोस्तों हम आगे हुए अपने मशीन पर। दोस्तों यहाँ पे हम स्टेटर को सेटिंग कर लिए हुए। दोस्तों अब इसमें जो हम कॉइल में जो हम टर्न डालेंगे जो कि हम स्टार्टिंग कॉइल में डाले हुए थे 430 टर्न, तो हमें रनिंग कॉइल में क्या करना है कि हमें 20 टर्न बढ़ा देना है, यानी कि हमें रनिंग कॉइल में डालना है 450 टर्न डालना है रनिंग कॉइल में। चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको हम 450 पर सेटिंग कर लिए। और दोस्तों उसी वायर से हम वाइंडिंग कर रहे हैं जो कि हम 34 वायर से इसको वाइंडिंग किए हुए थे अलमुनियम वायर से। तो चलिए दोस्तों उसी वायर से हम इसको भी वाइंडिंग कर रहे हैं अलमुनियम वायर से। चलिए दोस्तों यहाँ पर टर्न भी हमारा सेट हो चुका है, अब इसका हम रिवाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार से रिवाइंडिंग करना है जिस प्रकार से हमें स्टार्टिंग कॉइल रिवाइंडिंग हुआ है, फॉरवर्ड और रिवर्स से हमें कॉइल रिवाइंडिंग होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा रनिंग कॉइल यहाँ पे रिवाइंडिंग हो रहा है, हमारा रनिंग कॉइल अभी रिवाइंडिंग हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का दूसरा स्लॉट यहाँ पे रिवाइंडिंग होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मशीन स्टार्ट करते हैं और हमारा दूसरा
स्लॉट रिवाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा दूसरा स्लॉट रिवाइंडिंग यहाँ पे हो रहा है, हमारा रनिंग कॉइल का दूसरा स्लॉट यहाँ पे दोस्तों रिवाइंडिंग हो रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि सभी स्लॉट हमें रिवाइंडिंग करना है। चलिए दोस्तों रिवाइंडिंग करके हम सभी को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अब हमारा रनिंग कॉइल का चौथा कॉइल रिवाइंडिंग हो रहा है। दोस्तों चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कॉइल रिवाइंडिंग हो रहा है, रनिंग कॉइल का चौथा स्लॉट। दोस्तों अब हमारा रनिंग कॉइल के यहाँ पे लास्ट जो स्लॉट बचा हुआ है वो हमारा रिवाइंडिंग हो रहा है रनिंग कॉइल के। चलिए दोस्तों हमारा अब कॉइल टोटल रिवाइंडिंग होकर के लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल टोटल रिवाइंडिंग हो चुका है। चलिए दोस्तों हम इसको अब लेकर के चलते हैं अपने टेबल पर। अब क्या करेंगे कि इस रनिंग कॉइल को जो चिप पेपर आता है जो ऊपर से हम लगाते हैं वो चिप पेपर लगा करके इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दोस्तों इसका हम लीड निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने टेबल पर। चलिए दोस्तों अब क्या करना है कि रनिंग कॉइल में हम चिप पेपर लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के हमारा मार्केट में रेडीमेड चिप मिलता है। दोस्तों इसी प्रकार के हम क्या करेंगे चिप लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक चिमटी ले लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार के हम चिमटी यहाँ पे लिए हुए हैं। और चिमटी की मदद से क्या करना है, थोड़ा थोड़ा वायर हमारा कभी कभी क्या होता है कहीं कहीं पे हमारा लोहे के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लोहे के ऊपर कॉइल चढ़ा हुआ है। तो क्या करना है कि चिमटी की मदद से इसको इस प्रकार से करके इसको हमें अंदर में इसको दबाना है, यानी कि इसको अंदर में दबाना है। जहाँ जहाँ पर हमारा लोहे के ऊपर वायर चढ़ा हुआ है उसको नीचे उतार करके हमें अंदर में दबाना है। और दोस्तों अंदर में दबा करके हमें क्या करना है कि इस प्रकार के हमें चिप पेपर लेना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर हमें इस प्रकार से लगाना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा चिप पेपर इस प्रकार से हमें सभी स्लॉट में लगाना है। तो चलिए दोस्तों सभी स्लॉट में हम इसी प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम चिप लगा रहे हैं इस प्रकार से हमें सभी स्लॉट में यहाँ पे चिप पेपर लगा करके कंप्लीट कर लेना है। चलिए दोस्तों इसको हम लगा करके कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद इसका हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम तीन में लगाए, तीन स्लॉट में चिप पेपर लगाया, इसी प्रकार से हमें सभी में लगा लेना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा सभी स्लॉट में पेपर लग करके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है स्लॉट पेपर, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हम लीड निकालेंगे। दोस्तों लीड निकालने के लिए दो हमारा वायर रनिंग कॉइल से निकल करके आ रहा है ये वाला, और दो कॉइल हमारा ये वाला स्टार्टिंग कॉइल से निकल करके आ रहा है, यानी कि जहाँ से हमें स्टार्ट किया है जहाँ पे हमारा ख़त्म होता है तो दो वायर निकल करके आता है, दो वायर इसमें से निकल करके आ रहा है और दो वायर हमारा इसमें से निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि हम दो वायर को कॉमन बनाएंगे। तो कॉमन बनाएंगे कि क्या करेंगे कि हम दाहिना हाथ की तरफ रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल को लेंगे तो हमारा ये दोनों वाला कॉमन बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस दोनों को हम कॉमन बना लिए, और दोस्तों ये दोनों है जिसमें हमारा अलग तार निकल करके जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे तीन कलर का वायर लिए हुए दोस्तों, इसी तीन कलर का वायर से हम इसका कनेक्शन निकालेंगे। तो दोस्तों ये हमारा अल्मोनियम वायर है, अल्मोनियम लीड से हम कनेक्शन निकाल रहे हैं दोस्तों, इसलिए क्योंकि दोस्तों ये हमारा अल्मोनियम कॉइल वाइंडिंग है, इसीलिए दोस्तों हम अल्मोनियम वायर से इसका लीड निकाल रहे हैं। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करना है कि जो इसके ऊपर जो पॉलिश चढ़ा हुआ रहता है वो पॉलिश हम इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर जो हमारा वायर है सभी वायर को क्या करेंगे कि एक साथ हमें यहाँ पे थोड़ा लपेट लेना है, यहाँ पे लपेट लेना है, और क्या करेंगे कि हम माचिस की मदद से इसको जलाएंगे तो हमारा वायर का पॉलिश सभी का निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने कर रहे हैं दोस्तों, इसको हमें इस प्रकार से यहाँ पे हम लपेट लिए और माचिस क्या करेंगे इसको हम जलाएँगे ना तो हमारा सभी इसके दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा आप जलाएंगे तो हमारा अल्मोनियम कॉइल है बुरक जाएगा, थोड़ा हम यहाँ पे इसको जलाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ के इसके ऊपर का पॉलिश जल चुका है। अब दोस्तों इसको क्या करना है कि हमको हाथ की मदद से इसको पॉलिश को हटाना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं, इसके बाद इसमें हम वायर कनेक्शन करेंगे। तो इसको इस प्रकार से जला करके आप इसको हाथ से इस प्रकार से खींचेंगे तो हमारा इसके ऊपर का पॉलिश निकल जाता है। चलिए दोस्तों इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, और ये दोनों हमारा कॉमन वायर है, और इसमें हम लाल वाला वायर कनेक्शन करेंगे और रनिंग कॉइल में पीला वाला वायर कनेक्शन करेंगे जो कि बाहर वाला है, और ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल है इसमें हम ब्लू वाला वायर कनेक्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका पॉलिश निकाल हम हटा लेते हैं, उसके बाद इसमें हम वायर कनेक्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीन लीड था जो कि हम इस होकर के यहाँ पे नीचे होकर के दोस्तों इस तीनों लीड को यहाँ पे निकाल लिए, और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों हम दो नंबर यहाँ पे स्लीव कटिंग किए हुए हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं कि दो नंबर स्लीव कटिंग किए हुए हैं। और सबसे पहले हम लाल वाला वायर में यहाँ पर डाल दिए हुए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको छील करके जो हमारा कॉमन वायर जिसको हम बनाए हैं दाहिना हाथ में ये वाला जो कि रनिंग स्टार्टिंग दोनों में हमारा ज्वाइंट है इसको यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम यहाँ पर
कनेक्ट करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे आप अच्छी तरीके से ज्वाइन करें ताकि हमारा फ्लस ना करे। इसको यहाँ पे दोस्तों हमें अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको हम ज्वाइंट कर दिए। अब इसमें क्या करना है कि जो हमारा ये स्लीव है इसके ऊपर हमें थोड़ा चढ़ाना है, ज़्यादा नहीं चढ़ाना है, जितना हमारा वायर छिला हुआ है उतना ही इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे। और ये हमारा रनिंग कॉइल है, तो रनिंग कॉइल में क्या करेंगे कि जो हमारा पीला वाला वायर है उसमें भी हम ये स्लीव इस प्रकार से इसको यहाँ पर डालेंगे, और इसको भी क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको हम थोड़ा छीलेंगे, और जो हमारा रनिंग कॉइल है इस रनिंग कॉइल में यहाँ पे इसको भी हम कनेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे जो वायर लीड हमारा निकल के आ रहा है उसके नीचे भी आप एक नंबर स्लीव डाल सकते हैं, यानी इसके नीचे आप स्लीव डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम रनिंग कॉइल को कनेक्ट कर दिए। इसमें भी हमें क्या करना है कि जो हमारा स्लीव है इसके ऊपर हमें थोड़ा चढ़ा देना है। अब हमारा ब्लू वाला वायर बच गया जो कि हम स्टार्टिंग कॉइल में देंगे। चलिए दोस्तों इसको हम स्टार्टिंग कॉइल में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा हमको छील लेना है और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग कॉइल में इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से ज्वाइंट करना है। यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर दिए। अब दोस्तों क्या करना है कि इसको भी हमको इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको चढ़ा दिए। अब दोस्तों हमें इसमें करना क्या है कि सभी लीड जो कि लीड हम कनेक्शन किए हैं उसको नीचे की तरफ यहाँ पे कॉइल के ऊपर हमें चढ़ाना है। इसको दोस्तों थोड़ा थोड़ा हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे खींचना है, और दोस्तों जो हमारा लीड है उसको क्या करेंगे कि एक साथ यहाँ पे हम जमा करके, यानी एक साथ यहाँ पे इकट्ठा करके हम यहाँ पे केबल टाई से इसको हम बांध देंगे। अगर आपके पास केबल टाई नहीं है तो आप धागे की मदद से भी इसको बांध सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास केबल टाई है तो इसको हम केबल टाई की मदद से इसको टाइट करेंगे। इसको इस प्रकार से हमको फंसा देना है, और दोस्तों यहाँ पे इसको नीचे की तरफ दबा करके हमको केबल टाइट से इसको टाइट करना है। दो केबल टाई आप यहाँ पर लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे इस प्रकार से केबल टाइट से हमको इसको टाइट कर देना। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हम केबल टाइट से इसको टाइट कर दिए। अब क्या करना है कि जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है इसको यहाँ पर कटिंग कर लेना है। इसको कटिंग कर लिए। अब दोस्तों हमें इस वायर को थोड़ा ऊपर खींच लेना है, और दोस्तों आप अपने अनुसार इसको ऊपर से यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको इतना पर से कटिंग किए हैं, यानी देख सकते हैं कि इसको इतना हम कटिंग किए हैं। चलिए दोस्तों इसको हम छील करके अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा कॉइल ठीक है नहीं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सीरीज वायर ले लिए, इसको हम लगा दिए सीरीज में। यहाँ पर हमारा सीरीज बल्ब भी चल रहा है। अब यहाँ पे इसका हम कॉइल चेक करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा कॉइल बिल्कुल ठीक है, सीरीज हमारा जल रहा है, हमारा सीरीज जल रहा है, कॉइल हमारा बिल्कुल भी ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बॉडी करंट भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों हमारा कॉइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको बॉडी में फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बॉडी ले लेते हैं इसको। अब हम बॉडी में इसको फिट करके इसको चेक करेंगे कि हमारा पंखा किस प्रकार से चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा बॉडी रहा इस पंखे के। दोस्तों इस स्टेटर को इसमें हम फिट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इसको हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको हम फिट कर रहे हैं इसमें। इसको हमें नीचे की तरफ बैठा कर इसको यहाँ पे, चलिए दोस्तों इसको हम फिट कर देते हैं। चलिए दोस्तों इसको फिट करके हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इसको हम चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉइल फिट हो चुका है, और यहाँ पे हम कंडेंसर भी दोस्तों यहाँ पे लगा लिए। दोस्तों अब इसका हम कनेक्शन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो कि हमारा कॉमन वायर है लाल वाला उसको दोस्तों हम छोड़ देंगे, और पीला वाला ब्लू वाला वायर है उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्शन करेंगे। कैपेसिटर इसमें हमारा 2.25 mFD का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ रहता है, कंपनी भी हमें भी लगाना चाहिए अगर नया लगा रहे तो। चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको हम कनेक्शन कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे इसको हम सप्लाई देंगे लाल वाला वायर पर और पीला वाला वायर पर, क्योंकि पीला वाला वायर पर हम इसलिए सप्लाई देंगे क्योंकि हमारा दोस्तों पीला वाला वायर रनिंग कॉइल में कनेक्शन है, और पीला वाला वायर पर ही रनिंग कॉइल पर हमारा लोड रहता है। कॉमन वायर पर तो हमारा एक कनेक्शन रहेगा ही, मेन वाला सीरीज वाला वायर यहाँ पर हम लगा लिए हुए, तो एक तो हमारा इस पर यहाँ पर सप्लाई रहेगा ही, और एक जो सप्लाई है पीला वाला पर कनेक्शन सप्लाई देंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा पंखा उल्टा ही चलेगा, क्योंकि दोस्तों जो फार्मूला हम बताए इस फार्मूला से आप पंखे का तीन कनेक्शन निकाल सकते हैं, हमारा पंखा बिल्कुल भी उल्टा चलेगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पंखा इस तरफ चल रहा है, यानी कि पंखा हमारा इस तरफ से नचेगा, और जो कि हमारा ये ब्लू वाला वायर है ये हमारा
बीच वाले पॉइंट पर कनेक्शन होगा, इसका हमें कोई काम नहीं है। आप चाहे यहाँ पर टेप मार सकते हैं, चाहे तो इसमें आप कनेक्शन कर सकते हो। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सटा रहे थे, हमारा चल रहा है, पंखा चलने के प्रयास कर रहा था। चलिए दोस्तों इसको हम इस कनेक्टर में कनेक्शन कर लेते हैं, फिर इसको हम चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इसको हम कनेक्शन कर लिए हुए हैं। चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कंडेंसर भी यहाँ पे हमारा फिट हो चुका है। अब इसको हम चला करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीरीज वायर ले लेते हैं, सीरीज वायर का दोस्तों यहाँ पे हम बोर्ड में लगा दिए। अब क्या करेंगे कि जो हमारा पंखे को यहाँ पे हम थोड़ा उठा लेते हैं, और ये हमारा जो सीरीज वायर है, दो वाला दो वायर है यहाँ पे दोस्तों, इस दोनों कनेक्टर में हम सटाएंगे तो हमारा पंखा चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे उठा रहे हैं और यहाँ पे लगा रहे हैं। देख दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा पंखा बिल्कुल भी स्पीड में चल रहा है। देख सकते हैं कि हमारा पंखा फुल स्पीड में चल रहा है। देख सकते हैं कि दोस्तों आज के वीडियो में हम कॉइल वाइंडिंग करके पंखा में फिटिंग करके दिखाए आपको कि कॉइल वाइंडिंग हाई स्पीड किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप देख लिए होंगे कि कॉइल वाइंडिंग हमारा किस प्रकार से होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिए गए हुए लाल बटन को सब्सक्राइब करके बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।